नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जनरल नॉलेज के हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या फिर किसी भी कोर्स का हो, या इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, बैंकिंग, रेलवे, या फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसकी तैयारी कर रहे होंगे आप, तो ये सब सारे प्रश्न और उत्तर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आप तक हम वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहेंगे और आप उसे देखकर, पढ़कर, सुनकर काफी ज्यादा लाभान्वित और गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, ये भीमबेटका रॉक चित्रकारी के लिए फेमस है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, और ये है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका जो है ये रॉक की चित्रकारी के लिए फेमस है और ये है मध्य प्रदेश के अंदर। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भीमबेटका कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता दूं आपको, सीडीएस में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू व्हिच सिविलाइजेशन पोर्ट टाउन ऑफ लोथल जो कि गुजरात में है कैन बी ट्रेस्ड बैक मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ ट्रेड बाय सी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, आर्यन, संगम और नन ऑफ द अबव। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। आपको बता दूं कि लोथल जो कि गुजरात में है वो सी पोर्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ा था और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बहुत सारे अवशेष मिले हैं वहां पे। इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोथल गुजरात में है, पोर्ट टाउन है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा था। Next question is, which of the following is correct? The first war of independence was 1857. The Champaran Satyagraha was 1917. The Quit India Movement was 1942. And all of the above. इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि all of the above इसका उत्तर है कि first war of independence 1857 में ही हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति चंपारण सत्याग्रह में भी ये 1917 में ही हुआ था पहली बार। 1915 में गांधी जी आए थे, उन्होंने लॉन्च किया था चंपारण सत्याग्रह जो कि आज बिहार में स्थित है और उसे बापू धाम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा नहीं स्थापित किए गए हैं? इसमें है साबरमती आश्रम, देवाग्राम आश्रम, विश्व भारती और फोनिक्स आश्रम। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विश्व भारती, और बाकी तीनों के तीनों आप ऐसा याद कीजिए कि फोनिक्स आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और साबरमती का संघ तुम्हें कहा ही जाता था। तो ये तीनों के तीनों आश्रम जो थे महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किए गए थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि गांधी से बहुत सारे एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर हिंदुस्तान में किसी भी नेता या किसी भी लीडर की बात की जाती है जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, तो सबसे ज्यादा श्रेय महात्मा गांधी को ही जाता है, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द उपनिषद्स आर द उपनिषद्स क्या है? ग्रेट एपिक्स, स्टोरी बुक्स, सोर्सेस ऑफ हिंदू फिलोसफी और लॉ बुक्स। उपनिषद क्या है आपको मैं बता दूं, तो दिस इज सोर्सेस ऑफ हिंदू फिलोसफी, हिंदू फिलॉसफी के ये क्या है आपके अति महत्वपूर्ण सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्रा और ब्रह्मा। तो आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये है पशुपति। पशुपति इज द करेक्ट आंसर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच सिटी वाज फाउंडेड बाय कृष्णदेवराय द रूलर ऑफ विजयनगर, चंद्रगिरी, उदयगिरी, नागलपुर
और वारंगल, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नागलापुर। नागलापुर सिटी फाउंड किया गया था कृष्णदेवराय के द्वारा, ये विजयनगर के राजा थे और काफी ज्यादा महान और फेमस राजा थे कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर्स वर द अफगान ओरिजिन, इनमें से कौन से सुल्तान जो थे उनकी ओरिजिन जो थी अफगानिस्तान में हुई थी, अफगान के थे, तो वो है लोदी। लोदी डायनेस्टी आपको पता ही होगा, वो अफगानिस्तान से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग विमेन सोशल रिफॉर्मर इज कॉल्ड पंडित, इनमें से कौन सी मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर को पंडित बोला जाता है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे गंगाबाई, रामाबाई, एनी विसेंट और सिस्टर सुमा लक्ष्मी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रामाबाई। रामाबाई एक ऐसी समाज सुधारक थी जिन्हें पंडित के नाम से जाना जाता है, पंडित उनका उपनाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबरनामा वॉज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टर्किश। बाबरनामा जो कि अति महत्वपूर्ण बुक है आपके मुगल कालीन शासन में, तो वो टर्किश भाषा मतलब कि तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश ट्रेवलर विलियम हॉकिंग्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर, इंग्लिश ट्रेवलर विलियम हॉकिंग्स किसके शासनकाल में मतलब कि मुगल एम्परर के समय में आए थे हिंदुस्तान में। तो ऑप्शन है इसके शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंग्स ने इंडिया को विजिट किया। Next question is, what was the name of Persian translation of Mahabharata? Mahabharata का Persian translation में क्या नाम था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजमामा। राजमामा, राजमामा is the Persian translation of Mahabharata। महाभारत को लिखा किसने था? तो वेद व्यास ने इसकी रचना की थी, आपको पता होना चाहिए। Next question is, history is a continuous process of interaction between past and present, who said it? इतिहास जो है वो एक निरंतर प्रोसेस है, इंटरेक्शन बिटवीन पास्ट मतलब हमारे बीते हुए कल और आज के बीच में, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था हमारे अति महत्वपूर्ण इतिहासकार ई एच कार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिनव भारत फाउंडेड इन 1904, अभिनव भारत फाउंडेड इन 1904, व्हाट वाज इट एक्चुअली? अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, अ न्यूज़पेपर, अ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड अ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, दैट इज अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। अभिनव भारत क्या था? अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज This is Krishnadevaraya of Vijayanagar Empire was contemporary of, तो किसके समकालीन थे? अकबर, फिरोज शाह तुगलक, बलबन और बाबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बाबर। कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर के एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के अति महत्वपूर्ण राजा थे, वो किसके समकालीन थे? वो थे बाबर के समकालीन, मतलब 16वीं सेंचुरी के आसपास में ये थे। The worst famine in India under the British rule occurred during 1960, 1761, 1867, 1896, 1897, and 1899, 1900. तो वो हुई थी 1876 से 78 के बीच में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट डाउन कीजिए। भुखमरी हुई थी सबसे खतरनाक वाले, ये हुई थी 1876 से लेकर 1878 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। और ये
महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को एक और प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले एंड ही वाज महात्मा गांधीज पॉलिटिकल गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच एक्ट वर द मुस्लिम प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन द ब्रिटिश इंडिया। इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा मुस्लिम को अलग इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किया गया था ब्रिटिश काल के समय में। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जो कि 1909 में हुआ था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लॉर्ड मिंटो के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 वाज पास्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीड को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था। इसके समय में दो चीजें और भी हुई थी। देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके अलावा कालका शिमला जो मिनी ट्रेन है वो भी चलाई गई थी इनके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, क्योंकि इन्होंने जो है शिमला को अपना समर कैपिटल घोषित किया था और इसीलिए शिमला को कनेक्ट करने के लिए कालका से शिमला को छोटी रेल जो है नैरो गेज चलाई गई थी 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्तादारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए कि इक्तादारी सिस्टम जो है, इक्तादारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू कुडंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर व्हाटएवर I upload on the YouTube channel.